एक नया वीडियो के साथ आपको स्वागत कर रहे हैं। आज के टॉपिक है हिल्ड फ्रेम हाइट और ये एयरजेट लूम के रिलेटेड पॉइंट है और ये क्वालिटी सेटिंग रिलेटेड एक मेजर पॉइंट है जहां हम ब्रेकेज को कंट्रोल कर सकते हैं और कपड़े का क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज जो हिल्ड फ्रेम हाइट का एक बेसिक चीज़ बताएंगे, ये हर एक लूम के लिए होगा और ये बेसिक चीज़ होगा जो आपको फंडामेंटल क्लियर करता रहेगा और ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादातर जो नया कॉलेज से निकलते हैं, जो हमारे बीबिंग को चूज करते हैं अपन प्रोफेशन में और जो पहले से काम कर रहे हैं, इन लोगों के लिए थोड़ा सा गाइड जैसा होगा, इसलिए इस वीडियो को हम डाले हैं। और आप लोग टाइम मिले, जैसे भी फ्री टाइम में मिले तो उसी हिसाब से आपको ये देख लेना है, जैसे कि आपको कोई टाइम बर्बाद ना हो, अभी काम आप करते रहिए। जैसे भी फ्री टाइम मिले तो इस वीडियो को एक बार क्लिक करके जरूर देखते रहिए। तो ये क्या है, आज के टॉपिक है हिल्ड फ्रेम हाइट। तो हिल्ड फ्रेम हाइट में एक पॉइंट को ये इंडिकेट करता है कि हिल्ड फ्रेम का हाइट क्या है। हाइट यानी कि उसका पोजीशन। किसी भी चीज़ का हम अगर हाइट एक्सप्रेस करते हैं, मान लो एक बिल्डिंग का हाइट समथिंग फीट है, जैसे कि एक बिल्डिंग का हाइट समथिंग फीट है, और या तो कोई एक पोल है उसका समथिंग मीटर का हाइट है, उसका जो हाइट है समथिंग मीटर इतना, मान लो एक पोल है जिसका 15 मीटर का हाइट है, 15 मीटर का हाइट यानी कि वो अपने फ्लोर से कितना हाइट में है, या तो एक बिल्डिंग है वो फ्लोर से कितना हाइट तक है उसका फीट में इंडिकेट करता है, या तो एक ब्रिज बना है नदी में तो उसका मतलब अपना फ्लोर लेवल से कितना हाइट में है, या तो एक माउंटेन उसका हाइट जब एक्सप्रेस करते हैं क्या करते हैं, मीन सी लेवल से ये एक्सप्रेस करते हैं। जो मीन सी लेवल होता है MSL से, उसको एक हाइट को इंडिकेट करता है कि हाँ इतने लेवल हाइट पर ये इसका पोजीशन है। या तो कोई भी चीज़ का हम अगर जब हाइट में एक्सप्रेस करते हैं, उसका पोजीशन एक्सप्रेस करता है कितना हाइट में है, या तो उसका ऊंचाई ज़मीन से या फ्लोर एक प्लेन सरफेस से कितना हाइट में है तो उसी को एक्सप्रेस करता है। इस तरह हिल्ड फ्रेम हाइट क्या है, हिल्ड फ्रेम हाइट हमारे एक रेफरेंस पॉइंट से, एक बेस पॉइंट से हम उसको ले कर चलते हैं कि हाँ ये इतने हाइट पर है। तो ये आपको नॉर्मल जो हाइट होता है उसका आपको बता दिया, अभी हिल्ड फ्रेम हाइट के ऊपर चलेंगे। थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक फिगर बनाया हूँ जो हमारे लूम का एक साइड व्यू है, इस साइड बीवर्स बीम है, इस साइड क्लॉथ रोल है, यहाँ बैकरेस्ट डबल रोल वाला बैकरेस्ट डबल रोल बैक डबल बैक रोल, यहाँ पे वार्स्टॉप मोशन, यहाँ पे शेडिंग जो हिल्ड फ्रेम लगा है, रीड यहाँ पे है, फेल प्लेट यहाँ पर, फ्रंट रेस्ट होते हुए फिर क्लॉथ रोल में कपड़ा का वाइंड हो जाता। तो यहाँ पे जो लूम है और ये जो लाइन डाला हूँ, ये प्लेन सरफेस या तो एक सरफेस है जिसके ऊपर ये लूम बैठा है, ठीक। तो इसका क्या है, एक प्लेन सरफेस के ऊपर लूम बैठा है, पर यहाँ पे क्या है, अगर आप हाइट कहोगे तो इसी पॉइंट से मेजरमेंट होगा तो ये नहीं होता ऐसे। तो इसके लिए हमारे हर एक साइड मतलब एक एक पार्ट्स के साथ एक मेजरिंग पॉइंट दिया गया है, या तो कुछ मार्किंग किया गया है, उस मार्किंग के आधार पर उसका हाइट हम मेजरमेंट करते हैं। जैसे कि बैकरेस्ट में जहाँ है, यहाँ पे बैकरेस्ट है, यहाँ पे क्या है, मार्किंग लगा रहता पहले से, उस हिसाब से हम क्या है, जहाँ पे ये मूवेबल होता है बैकरेस्ट का जो पार्ट्स होता है वो ऊपर जा सकता है नीचे भी जा सकता है, उसको हाइट एडजस्टमेंट कहते हैं। अगर लूम के फ्रंट की तरफ जाएगा या तो लूम से बैक की तरफ जाएगा उसको कहेंगे डेप्थ एडजस्टमेंट होता है, एक हाइट एडजस्टमेंट होता है। तो उससे क्या है, बैकरेस्ट में हमारा बैकरेस्ट के ऊपर जहाँ वो बोल्ट लगा रहता है उसको खोल कर हम हाइट एडजस्टमेंट करते हैं, या तो उसका डेप्थ भी एडजस्टमेंट करते हैं। हाइट और डेप्थ दोनों के लिए मार्किंग लगा रहता है, उस मार्किंग के आधार पर हम उसका हाइट डेप्थ सेट करते हैं। फिर वाइट स्टॉप मोशन जो रिलेटेड बार है, इलेक्ट्रॉनिक स्टॉप मोशन, वो क्या डी बक्स के ऊपर ये स्टे किया है, मतलब डी बक्स वाइट स्टॉप मोशन जो होता है उसका सिस्टम को कैरी करता है, तो उसका भी मार्किंग है हाइट और डेप्थ दोनों बनाने के लिए। तो वहाँ पे भी उस मार्किंग के ऊपर या तो उस मार्किंग को बेस करके हम उसका मेजरमेंट करते हैं। हिल्ड फ्रेम हाइट का अभी स्टॉपिंग में डालेंगे, तो हिल्ड फ्रेम हाइट का अभी बता रहा हूँ हिल्ड फ्रेम हाइट क्या होता है। तो ये आपको पता लग गया, ये साइड व्यू से एक लूम का साइड व्यू है, ठीक है, उसका जहाँ जहाँ हर एक पार्ट्स में एक मार्किंग पॉइंट है, उस मार्किंग पॉइंट से मतलब पक्के मार्किंग पॉइंट को बेस करके हम उसका हाइट या तो डेप्थ सेट करते हैं, ठीक है, उसका पोजीशन सेट करते हैं, पोजीशन, ठीक।
तो इस तरह ये जो फ्रेम वाला पोजीशन मैं बोला, फ्रेम हाइट कहाँ से कैसे मेजरमेंट करते, उसका एक थोड़ा और बढ़िया सा फिगर बनाया हूँ। इस फिगर आप देख पा रहे होंगे, ये थोड़ा साइड व्यू एंगल करके बनाया हूँ। इस साइड से लूम का फ्रंट हो जा रहा है, पर इस एंगल से बनाया हूँ ये जो फिगर बनाया हूँ। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 हिल्ड फ्रेम है और साथ में ये ब्रैकेट लगा है, फ्रेम का ब्रैकेट लगा है, ठीक है। तो एक ब्रैकेट में 6 गैप है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जहाँ पे ये हिल्ड फ्रेम वहाँ पे पोजिशन हुआ है, या तो उसी गैप में उसको सपोर्ट दिया गया है, ठीक है। तो लूम जब चलती है इस गैप के थ्रू ये अप डाउन होता रहता है। तो अब क्या है, ये जो ब्रैकेट दिया गया है उसका सरफेस को बेस माना गया है। उस बेस पॉइंट से हर एक फ्रेम का जो बाइंडर के टॉप पोजिशन होता है, मैक्सिमम पोजिशन, उस पोजिशन को उस पोजिशन में, हाँ, यहाँ पे जो हमारा ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट होता है फ्रेम की साइड ब्रैकेट, तो उस ब्रैकेट को प्लेन सरफेस मान के या तो बेस पॉइंट मान के उसी पॉइंट से बाइंडर का टॉप मोस्ट पोजिशन तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम जब मेजर करते हैं, जो डाटा निकलता है एमएम में निकलता है, स्केल डाल के वहाँ पे जो मेजरमेंट करते हैं, जो डाटा निकलता है उसको हम उस फ्रेम का फ्रेम हाइट कहते हैं। तो यहाँ पर स्केल लगा के एक नंबर फ्रेम का जो हिल्ड फ्रेम का सबसे टॉप मोस्ट पोजिशन वहाँ तक मेजरमेंट का जो आया उसको लिख देते समथिंग एमएम, मान लो 100 mm आया, 110 mm आया, तो उस फ्रेम का हाइट 110 mm है, mm रहेगा। हिल्ड फ्रेम का हाइट जब एक्सप्रेस करेंगे तो उसका यूनिट रहेगा mm में। इस तरह हर एक फ्रेम का हाइट मेजरमेंट किया जाता है। अब ये है फ्रेम हाइट जो है ये डायरेक्टली यही है, इट शोज द पोजिशन ऑफ हिल्ड फ्रेम, हिल्ड फ्रेम का पोजिशन शो करता है। और हिल्ड फ्रेम के साथ हमारा सेड एंगल का क्या लेन देन है उसको थोड़ा आपको बता दे रहा हूँ। ये फिगर को थोड़ा मिटा देते हैं, अभी ये फिगर रहना ज़रूरी है, थोड़ा हो सकता है आगे बताऊँगा, बाकी अभी इस फिगर को थोड़ा सा इरेज करते हैं। यहाँ पे थोड़ा एक और पॉइंट बता रहा हूँ, अभी पिछला वीडियो हम सेड एंगल बनाए थे, ये सेड के टॉप लाइन, ये हो गया बॉटम लाइन, ठीक, सेड का टॉप लाइन, ये हो गया बॉटम लाइन, ठीक। तो हमारे क्या है, अगर सेड एंगल आपका बराबर है तो ये जो एंगल मान लो 30 degree है, ये सेड एंगल है। सेड एंगल के साथ हमारे फ्रेम हाइट का क्या मतलब है, ठीक, फ्रेम हाइट का क्या मतलब है। यहाँ पे एक सेड एंगल अच्छे से बना दिए, अगर बाय चांस, और यहाँ पे मान लो हमारा प्रोफाइल रीड है, जो लूम पर रीड है इस तरह बैठा है, ये साइड व्यू बता रहा हूँ, ये प्रोफाइल रीड है, और धागा जो पिकिंग होता है इस चैनल के थ्रू ही पिकिंग होता है लेफ्ट साइड से राइट साइड तक, तो इस चैनल के थ्रू जो पिकिंग होता है, इस पिकिंग वाला पोजीशन को आधार करके ये एंगल को बीचों बीच रखा जाता है, ना इस टॉप लाइन चैनल के अंदर आए या तो बॉटम लाइन चैनल के ऊपर चले जाए, मतलब पिकिंग के लिए सफिशेंट या तो अच्छा क्लियरेंस मिल जाए ताकि यह एक साइड से जो धागा होता है वेफ्ट वाला वो आराम से राइट साइड पहुंच जाता है, उसके बाद बीटिंग होता है तो ये जो लूम का प्रोसेस होता है कंटिन्यू चलता रहता है, नहीं तो क्या फिलिंग स्टॉप में लूम बंद होगी तो एफिशिएंसी ऐसे ही डाउन होता है। तो इसके लिए हमारा जो सेड एंगल बनाया गया है, सेड एंगल को अगर प्रॉपर हाइट से नहीं बनाया, सेड एंगल तो बना दिए, वो तो जो भी जैकलीवर के बोल्ट जो टाइट किया गया उस हिसाब से उसका ओपनिंग होगा, लेकिन बात यही है जब हम सेड ड्रॉप करते हैं गेटिंग के टाइम, अगर पहले से उसका जो हाइट है, जो लीवर है उसका कनेक्शन है, अगर लीवर एक स्टैंडर्ड ऐसे कम हाइट में होगा तो हो सकता है कम हाइट होने की वजह से ये जो उसका जो सेड एंगल खुला हुआ है मुँह वो नीचे की तरफ होगी, तो नीचे की तरफ होगी ना, नीचे वाला जो लाइन है ये वाला लाइन वो ज़्यादा नीचे चला जाएगा, ऊपर वाला लाइन जो पॉइंट में है वो ये बीच में आने का चांस रहता है। तो उसको एक बढ़िया पोजिशन में लाने के लिए उसको देखा जाता है कि कौन से हाइट में रखे कि ये सेड एंगल जो है वो सेड एंगल के साथ फ्रेम हाइट मैच करे, और उसके वजह से हमारे पिकिंग मतलब कंटिन्यू जो लूम साइकिल होता है, लूम प्रोसेस होता है वो चलता रहे। तो इसको डिसाइड करने के लिए हम एक कैसे जानेंगे कि जो हाइट रखा गया वो हिल फ्रेम हाइट क्या है पता लग गया, हाइट को कैसे मेजरमेंट करते पता लग गया, अभी फ्रेम हाइट के साथ सेड एंगल का क्या लेन देन है उसके ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, हमारे जो फ्रेम हाइट कुछ भी हम बना दिए और लूम को चालू कर दिया, पहले क्या है हम जो भी हाइट है उसी में लूम को चालू कर दिए, लेकिन क्या चलते टाइम अगर हम आधा घंटा एक घंटा दो घंटा का ऑब्जर्वेशन लेंगे, हो सकता है उसमें अच्छा भी चल जाए, हो सकता है उसमें अच्छा चले पर कोई ब्रेकेज, ये ब्रेकेज नहीं आएगा पर अगर कोई डैमेज आ रहा है, या तो अच्छा चले कोई बम्पिंग आ रहा है,
इस वजह से हमें हाइट को देखना पड़ता है। ज़्यादातर पहले हमारा प्रायोरिटी रहे कि हाइट ऐसा बनाओ ताकि फीलिंग कम आए और लूम का कपड़ा अच्छा जाए, कोई डैमेज ना आए। और ऊपरी बात क्या है, अगर एक मान लो हाइट 110 mm वाला हाइट में भी अच्छा चलता है, 112 में भी बढ़िया चलता है, तो हमें जो बेस्ट लगता है उसी को ही लेंगे। ये एनालिसिस होता है, एक 6 घंटा 7 घंटा लूम 8 घंटा एक शिफ्ट चला के उस मशीन में कितना फीलिंग है, अगर कुछ एक हाइट सेट किए उसमें कितना फीलिंग आया, अगर उसको चेंज करने के बाद ऐसा हाइट सेट करते उससे अगर 2-4 फीलिंग कम हुआ तो उसको हम कहेंगे कि फाइन सेटिंग, फाइन हील्ड फ्रेम सेटिंग। तो हील्ड फ्रेम सेटिंग तो कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, लेकिन उसके अगर और बेस्ट पॉसिबल हो सकता है तो उसको कहेंगे कि फाइन सेटिंग, जो फ्रेम हाइट का फाइन सेटिंग कहेंगे। तो यहाँ पे क्या है, हील्ड फ्रेम हाइट जो है वो हम कैसे जानेंगे कि वो जो हाइट सेट के अच्छा है या उससे बेहतर कर सकते हैं। तो एक होता है हमारे लूम पे पिकिंग का टाइम वेफ्ट इंसर्शन स्टार्ट, या तो स्टार्ट ऑफ द पिकिंग टाइमिंग, या तो पिक स्टार्ट, या तो टी ओ, टोयोटा के हिसाब से टी ओ, और सुडोकोमा के हिसाब से वेफ्ट इंसर्शन स्टार्ट, और पिकानेल के हिसाब से पिक स्टार्ट, और एक होता है अराइवल टी डब्ल्यू, पिक अराइवल, वेफ्ट अराइवल, या तो इंसर्शन पिकिंग एंड ऑफ पिकिंग टाइमिंग, या तो पिक अराइवल, या तो वेफ्ट अराइवल, या तो अराइवल टाइमिंग। एक स्टार्ट टाइमिंग पिक, एक इंसर्शन स्टार्ट टाइमिंग टी ओ, एक टी डब्ल्यू। तो टी ओ के टाइम, टी ओ मान लो आपको लूम पे इंडिकेट कर रहा है 75 डिग्री, और टी डब्ल्यू मान लो इंडिकेट कर रहा है 250 डिग्री। तो इससे हमारे को हाइट और सेट एंगल से क्या लेना है, सेट एंगल आपको पहले बोला था, जो हम पहले से जैकलीवर के ऊपर बोल्ट के साथ जो भी सेट अमाउंट लेके सेट एंगल बनाए हुए हैं वो तो हमेशा फिक्स है, ये एंगल जो है फिक्स है। और हाइट के वजह से वो, अगर फ्रेम को हाइट नीचे की तरफ होगा तो नीचे की तरफ उसका मुँह होगा, ऊपर होगा तो ऊपर की तरफ मुँह होगा, अगर बराबर पॉइंट हाइट बराबर रहेगी तो वो एक्यूरेट परफेक्ट सेट एंगल के साथ पिकिंग होगी, ठीक है। अगर फ्रेम हाइट को हम, ये एंगल है, अगर हाइट ऊपर कर देंगे तो ये एंगल इस तरह उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, या तो उसका जो फेस किया है, ये जो एंगल का जो फेस जिस साइड में है उस साइड का जो डायरेक्शन है वो ऊपर करेंगे तो डायरेक्शन चेंज होगा, और नीचे करेंगे तो उसका जो डायरेक्शन है, उसका जो फेस है वो चेंज हो जाएगा। इसीलिए एक प्रॉपर हाइट सेट करना पड़ेगा। तो उसको जानेंगे कैसे कि वो हाइट सेट हुआ है, अच्छा है हुआ है या गलत हुआ है। तो एक सबसे बढ़िया ये है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तो ये सबसे बढ़िया टेक्निक है कि टी ओ के सामने, टी ओ के पोजीशन में हमारा जो फ्रेम मूवमेंट करता है, या तो फ्रेम मूवमेंट के टाइम जब पीक स्टार्ट होता है, पीक स्टार्ट के टाइम मान लो 75 डिग्री, तो 75 डिग्री लूम को खड़ा करो, और मान लो एक नंबर फ्रेम का हाइट बनाना है, ठीक है, एक फ्रेम का हाइट बना दे तो आगे वाले फ्रेम को हम 1 mm नीचे नीचे करके बना ले, 1 mm डाउन करके बना सकते हैं, या तो लेवल में बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो एक फ्रेम का हमारे को कम से कम हाइट डिसाइड करना पड़ेगा, कौन सा हाइट लें तो अच्छा चलेगा लोग। तो इसलिए हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा टी ओ हमारा कितना आ रहा है। टी ओ कंप्यूटर से बता रहे हैं मान लो 75 डिग्री, 75 डिग्री के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, 75 डिग्री अगर टी ओ है, यानी कि टी ओ या इसका मीनिंग यही है कि हमारे इन व्हिच टाइम द पिक द वेफ्ट, या तो दो पिकिंग स्टार्ट, या तो दो वेफ्ट इन व्हिच टाइम द पिक एंटर इन टू द सेट, ठीक है, एंटर द इन टू द टाइमिंग, द टाइम ऑफ पिक एंटर इन टू द सेट इज कॉल्ड एज टी ओ, या तो पिक स्टार्ट। पिक स्टार्ट 75 डिग्री, उसका अर्थ है हमारे ये रीड में जो चैनल बनाया गया है, प्रोफाइल बनाया गया है, उसके अंदर ये रीड का जो पहला वाला डेंट होता है लेफ्ट साइड में, वो कितने डिग्री में एंटर हो जाता है पिक वाला धागा, जो पिकिंग होता है वेफ्ट वाला, वेफ्ट कितने डिग्री में ये सेट के अंदर एंटर करता है, या तो रीड का पहला वाला डेंट को क्रॉस करके आगे निकलने को स्टार्ट करता है, या तो रीड के आमने सामने कब हो रहा है, या तो पिक सेट के इनिशियल स्टेज में कितने डिग्री में क्रॉस कर रहा है, ठीक है, इसे होता है 75 डिग्री, यानी सेट के अंदर कितने टाइम में एंटर कर रहा है उसको कहते हैं पिक स्टार्ट। और ये होता है हमारे मान लो 75 डिग्री आया, तो 75 डिग्री में हमारे को लूम खड़ा करना है, उस पॉइंट में मान लो एक नंबर फ्रेम का हम मेजरमेंट कर रहे हैं हाइट, तो उस पॉइंट में अगर 2x1 का डिज़ाइन है, 3x1 का डिज़ाइन है, डिज़ाइन के अकॉर्डिंग क्या हमारा फ्रेम अप डाउन होता रहता है, इस तरह मान लो हम एक लूम को बंद कर दिए और 75 डिग्री में मान लो हमारा फ्रेम उस टाइम नीचे है, डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जो भी हो, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, नीचे है, अगर उस टाइम 75 डिग्री में नीचे है तो नीचे वाला लाइन ही देखेंगे उसी फ्रेम का, अगर जिस फ्रेम का हाइट निकालना है अगर वो फ्रेम नीचे वाले पॉइंट में है तो उसको नीचे वाले पॉइंट के साथ देखना है,
कि वो कहीं ये चैनल के ऊपर तो बीच में नहीं आ रहा कि बराबर नीचे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर नीचे इस लाइन को, ये जो चैनल है, चैनल को पूरा क्लियरेंस मिलना चाहिए पीक स्टार्ट के टाइम और पीक अराइवल तक का जो टाइम में होता है 75 से 250 तक का, ऐसा फ्रेम हाइट सेट करो ताकि वो चैनल के बीच में जो हिल्ड फ्रेम का जो धागा है वो बीच में ना आए। तो एंटर के टाइम अगर ये चैनल को क्लियरेंस दे रहा है अच्छा, तो उसको हम एक बार फिक्स कर लेंगे, फिर उसको रोटेट कर उसको फिक्स कर देंगे, और जो जब नीचे है उसी फ्रेम तो उसको फिर वापस रीड घुमा के 250 डिग्री में भी खड़ा करेंगे, ठीक है। अगर वो उसी टाइम भी नीचे है तो उसको देखेंगे 250 में भी पोजीशन क्या है, अगर नीचे है वो तो फिर वापस ऊपर आएगा, तो धीरे धीरे वो ऊपर आने को उसका अपवर्ड मूवमेंट चालू हो जाता है। तो चालू होते होते वो 250 में क्या पोजीशन है, 250 में क्या इस पॉइंट से वो नीचे आया और भी नीचे जाएगा, नीचे जाने के बाद फिर ऊपर आना स्टार्ट होगा, ऊपर जब आएगा तो वो 250 में ऐसा तो ऐसा है क्या, ये चैनल के बीच में तो नहीं जा रहा, चैनल के ये जहाँ चैनल स्टार्ट हुआ वहाँ तो है, इस पॉइंट में है। अगर चैनल के बीच में आ जाए तो हम और थोड़ा नीचे कर सकते हैं। अगर ये चैनल को बराबर क्लियरेंस दे रहा है, चैनल टी पिकिंग स्टार्ट पिकिंग के टाइम, पिक स्टार्ट के टाइम और पिक अराइवल के टाइम हमारे को ये जो नीचे वाला साइड जिस फ्रेम का हम नीचे का निकाल रहे हैं वो बराबर क्लियरेंस मिलना चाहिए। कब तक, जब तक हमारा पिक वहाँ तक नहीं पहुँच जाता है राइट साइड फिलर के सामने, या तो टी डब्ल्यू पॉइंट में हमारा टी ओ और टी डब्ल्यू पॉइंट में हमारा नीचे वाला साइड क्लियर मिले तो उसको मानेंगे उस फ्रेम का हाइट जो हम सेट किए अच्छा है। फिर उसके साथ साथ मैच भी यही करना है, अगर नीचे वाला सेट तो हम क्लियर बना दिए, कहीं साला ऊपर में तो नहीं फंस रहा धागा, इसके वजह से हम क्या करना, उसको फिर रीड घुमाते रहेंगे, लूम को रोटेट करते रहेंगे, फिर उसके डिजाइन के हिसाब से जो फ्रेम ऊपर के लिए मूवमेंट होगा सेट का, उसी फ्रेम का अपवर्ड मूवमेंट होगी, तो अपवर्ड मूवमेंट के टाइम फिर वापस देखना टीओ के पोजीशन में उसी फ्रेम का टॉप लाइन क्या शो करता है, टॉप लाइन कहीं से चैनल के बीच में तो नहीं आ रहा, तो उसको भी ये देखना है। फिर बाद में 250 डिग्री के टाइम जो ऊपर चला गया है फिर नीचे आने को स्टार्ट हो जाता है, नीचे आते आते वो 250 डिग्री में भी कहाँ पोजीशन है, ठीक है। तो मोटा मोटी टी और टी डब्ल्यू के टाइम हमें नीचे वाले को सेट को भी देखना है, ऊपर वाले सेट को देखना है, दोनों को देख करके अब हम कहेंगे कि नहीं नीचे वाले को पूरा क्लियर दे देंगे, तो धागा चलते टाइम हो सकता है कहीं ना कहीं वो ऊपर वाले सेट में फंसने का चांस है। अगर आपको होगा कि नहीं ऊपर वाला सेट को हम क्लियरेंस दे देंगे, हो सकता है नीचे में भी फंसे, तो दोनों साइड को हम देखना है। अभी मान लो पीक होता है बाइक और वो जा रहा है, अभी सेट एंगल बराबर रास्ता नहीं दे रहा है, कहीं ना कहीं वो अटकेगा, कहीं ना कहीं उसको ऑब्स्टेकल होगी, मतलब उसको कोई दिक्कत होगी, कहीं फंसेगी तो भाई एक्सीडेंट होना ही होना, और तो वहाँ पे फीलिंग मारेगी, लूम बंद हो जाएगी। इसके लिए हमें क्या टॉप लाइन और बॉटम लाइन, टॉप साइड बॉटम साइड दोनों को मैच करना पड़ता है। टी ओ के टाइम क्या पोजीशन है, टी डब्ल्यू के टाइम क्या पोजीशन है, अरे एक फ्रेम का हम जब हाइट बना दिए उस हिसाब से हम क्या आगे वाला फ्रेम को लेवल में बना सकते हैं या तो डाउन करके बना सकते हैं। लेवल में बनाएंगे तो सेड एंगल इस तरह रहेगा, डाउन करके बनाएंगे तो सेड एंगल क्या होगा, थोड़ा डाउन के तरफ रहेगा। डाउन के तरफ क्यों बनाते उसका भी एक पॉइंट है आपको बता रहा हूँ। अभी थोड़ा आप देखिए, जब हमारा रीड होता है लूम पे इस तरह नहीं मूव करता है, आपको थोड़ा इसे साइड व्यू में आप देखिए, ये मान लो ये फ्रंट है, ये बैक है व्यूअर्स व्यू में, रीड को आप अपने तरफ से देखिए, रीड जो होता है वो इस तरह मूव नहीं करता, वो 0 डिग्री ईस्ट ऐसे करता है, फिर 90 180 270 290 330 फिर ऐसे करके, मान लो इसका ये पोजीशन, ये जो पोजीशन है ये फिक्स है, इस पॉइंट में आगे की तरफ जा रहा है फिर नीचे की तरफ जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है फिर थोड़ा अच्छा से दिख रहा है, हाँ आगे की तरफ जा रहा है फिर नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये जो उसका सेंटर वाला पॉइंट, अगर ये ऐसा चलता तो हमारा सेड क्या है इस तरह रहता तो हो जाता, अभी क्या ये नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब इससे थोड़ा 0 डिग्री बिटिंग का पॉइंट थोड़ा नीचे झुक रहा है, फिर 180 के टाइम पीछे जाके फिर ऐसे हो रहा है, यानी उसका जो पोजीशन है देखो कैसे स्विंग कर रहा है, ऐसे कर रहा है, रीड ऐसे चल रहा है ना, तो उसका जो कर्व है इस टाइप का। अभी देखो आपको थोड़ा डायग्राम में बता दे रहा हूँ, आप थोड़ा और कन्फर्म हो जाएंगे। मान लो ये हो गया लूम की फ्रंट वाला साइड, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी, और बैक वाला साइड ये, फ्रंट वाला साइड ये, बैक वाला साइड ये, मान लो यहाँ पे बीटिंग पॉइंट है, बीटिंग पॉइंट में मान लो रीड इस पोजीशन में है, रीड मान लो इस पोजीशन में है, अब
90 डिग्री पोजीशन में कैसे होगा? 90 डिग्री में मान लो, क्योंकि ये एक ही पॉइंट से फिक्स है ना, रॉक शाफ्ट लगा है वहाँ पे फिक्स है, तो वो 90 डिग्री में इस पोजीशन में होगा। और 180 में कहाँ होगा? 180 में पीछे वाला पोजीशन में। तो ये क्या है, ये जो सेंटर है रीड का जो सेंटर है इस पाथ में चल रहा है। रीड ऐसा है, एक जगह फिक्स, वो इधर गया, बीटिंग हुआ, 0 डिग्री है, ठीक है, 0 डिग्री हो गया, ये हो गया 90, ये हो गया 180, 90, 0, 0 हुआ, पीछे आ गया मूवमेंट, फिर 180 हुआ, फिर इधर 90, फिर आगे की तरफ गया, ठीक। तो यहाँ पे 0 डिग्री बीटिंग होता है, मान लो इस साइड फ्रंट है, तो बीटिंग के टाइम क्या होता है, ये नीचे की तरफ रहता है, फिर ऊपर जब 90 डिग्री आता है सीधा हो जाता है, फिर 180 के टाइम फिर नीचे की तरफ रहता है। उसका जो मूवमेंट है प्रोफाइल का, जो सेंटर है, सेंटर का मूवमेंट हमारा ऐसे होता है, इस तरह ऐसे, ठीक है, सेंटर के मूवमेंट इस तरह होता है। अगर हम सेड एंगल को, अभी ये भी फिक्स, हमारे फ्रेम भी फिक्स और सेड एंगल भी फिक्स, अगर सेड एंगल हम इस तरह बनाएंगे तो वो क्या है, ऐसे रहेगा, पर हमारा जो ये कर्व बन रहा है, कर्व अगर सेड एंगल को फ्रेम हाइट को लेवल में बनाएंगे तो वो इस तरह रहेगा, ठीक है, सीधा रहेगा, सेड एंगल इस तरह रहेगा, आपको इस साइड से दिखा रहे हैं, सेड एंगल इस तरह रहेगा, ठीक है। अगर ये जो कर्व ऐसे बन रहा है, ऐसे मान लो इसे जा के फिर नीचे के तरफ जा रहा है, इसके लिए हल्का सा नीचे बना देंगे ना, थोड़ा सा उसका मुँह, ये जो सेड एंगल बना है इस सेड एंगल को लेवल रखो तो भी चल जाएगा, अगर इसको थोड़ा सा नीचे करके बना देंगे, इसे हाइट कम नीचे कर देंगे तो उसका जो मुंह ऐसा है, वो मुंह जो सेड एंगल का फेस होता है वो थोड़ा नीचे की तरफ हो जाएगा, यानी कि वो इस पॉइंट में हो जाएगा ऐसे नीचे की तरफ, तो ठीक है। इससे वजह से क्या है, थोड़ा क्लियरेंस अच्छा मिल जाएगा और फीलिंग कम हो गई। यही होता है, एक फ्रेम हाइट नीचे करके बनाए कि लेवल बनाए, लेवल करके बनाते फिर 1 mm नीचे भी करके बनाते, इसका इसलिए रीजन है, ये जो मूवमेंट करते हैं कि कर्व में बनता है, तो जितना पीछे जाते हैं वो लूम रीड क्या है, थोड़ा नीचे पोजीशन में चला जाता है, नीचे पोजीशन जाने के चक्कर में अगर ये लेवल में रहता है तो ऊपर वाला ज़्यादा ऊपर चला जाता है, नीचे वाला इतना नीचे नहीं आ पाता, इसके लिए इसको एंगल करके बनाना पड़ता है। एंगल कब होगा, एंगल तो पहले से है, लेकिन उसको हाइट 1 mm नीचे कर देंगे तो उसका जो एंगल है वो थोड़ा नीचे की तरफ हो जाएगी, तो इसलिए क्या है, हमारे पिकिंग के लिए अच्छा होगा और ये बेहतर सेटिंग होता है। तो आज के जो है फ्रेम हाइट के आपको 3 पॉइंट पता चला, फ्रेम हाइट होता क्या है, ये क्या शो करता है, उसको मेजरमेंट कहाँ से करते हैं, हमारा फ्रेम हाइट अगर सही बना है तो वो अच्छा बना है कि और बेहतर कर सकते हैं, टी ओ टी डब्ल्यू से डिसाइड कर दे, उसके बाद 1 mm नीचे क्यों करते हैं, इसके लिए भी ये बताया। तो हमारे वीडियो आपको सब सही लगा होगा, आज की थोड़ा वीडियो भी लंबा हो गया है, कोई बात नहीं, चलो आगे वाले वीडियो आप रीड के डायमेंशन के ऊपर लेके आएंगे आपको, तो अभी वीडियो आपका बैक टू बैक टाइम पे आएगा, हफ्ते में 2 वीडियो डालने का हमारा अभी कोशिश जारी रहेगा, तो आपके पास अगला वीडियो आएगा रीड डायमेंशन के ऊपर, तो रीड डायमेंशन के साथ हम फिर सेड एंगल और सेड एंगल से क्या रीड डायमेंशन का लेन देन होता है उसके ऊपर भी आपको बताएंगे। आज के लिए वीडियो इतना है, आप अगले वीडियो को वेट करते रहिए, आप लोगों का इनकरेजमेंट हमें भी एक्साइट कर रहा है, तो इसलिए आप लोग एनकरेज के साथ अगर देख रहे हैं हमें भी एक्साइटमेंट हो रहा है कि चलो जल्दी से जल्दी वीडियो बनाए, और बहुत व्यूअर्स लोग भी डाल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ होता है जो बेफ्ट वाला सेटिंग, फेलिंग का सेटिंग के लिए, स्टार्टिंग मार्क सेटिंग के लिए बोले हैं डालने के लिए, तो आगने वाले वीडियो वही सब को अपडेट करेंगे। आज के लिए रह रहे, धन्यवाद।